हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कराठी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको एमसीक्यू कराऊं 28 नवंबर 2018 के। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कि किस देश ने हाल ही में अपने सीमावर्ती क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाने का निर्णय लिया है। आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन यूरोप का एक देश है और इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, क्या पृष्ठभूमि है। ये पृष्ठभूमि है कि 1991 तक दुनिया में एक महाशक्ति थी जिसे कहा जाता था सोवियत संघ। सोवियत संघ के अंतर्गत ये वर्तमान के 15 देश आते थे, इसी को इंग्लिश में कहते थे यूएसएसआर। जब 1991 में ये टूटा तो इसमें से 15 देश बने, जिनमें से एक तो रूस है और बाकी 14 देश हैं। उन 14 देशों में से एक देश है यूक्रेन। अभी मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा ये कहां पर है। और यूक्रेन को कहा जाता है यूरोप का गेहूं का कटोरा। अब इनके बीच में जो ये तनाव था, वही तनाव था जिसके कारण वर्तमान के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाने का निर्णय लिया गया। रूस और यूक्रेन जो एक समय एक ही देश के हिस्से थे, अलग होने के बाद इनके बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। उस तनाव का कारण क्या है? उस तनाव का प्रमुख कारण है कि 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो दुनिया में एक नया युद्ध शुरू हुआ, उसे कहते हैं शीत युद्ध, इसे कोल्ड वार कहते हैं, जिसमें दुनिया दो गुटों में बट गई, एक तो यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ, और एक दूसरा गुट ये कहलाया गया यूएसएसआर, जिसे हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं। अब सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए यूएसए के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है नेटो, जो आज तक कार्यरत है। ये नेटो बनाया गया 1949 में और एक सैन्य संधि है जिसके अंतर्गत ये सभी सदस्य देश एक दूसरे के साथ हमला होने की स्थिति में एक दूसरे को सैन्य मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वो जो मानसिकता थी जो 1949 में बनी थी, क्योंकि शीत युद्ध था, 1991 के अंदर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उसके टूटने के बाद भी नेटो ने एक संगठन के तौर पर काम करना जारी रखा और कम करने के बजाय अपनी जो कार्यशैली को कम करने के बजाय उसने उसे बढ़ाने का ही काम करा। और रूस के प्रति जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनकी आशंका का लाभ उठाकर उन्होंने रूस को चारों तरफ से घेरने के लिए नए देशों को भी नेटो में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसी का परिणाम था कि यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव पैदा होना। अभी आप इसको मैप के ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए ये विशाल देश है रूस, और इसकी स्थिति आप देखेंगे तो भारत के उत्तर में स्थित है, ये रूस है। और 1991 में जब इसका विघटन हुआ तो इसमें से बहुत सारे देश बने, जिसमें नाम है कजाकिस्तान, देख पा रहे हैं, और नीचे की तरफ ये सारे देश, ये सब, इसमें एक देश हो रहे हैं यहाँ पर ताजिकिस्तान नीचे की तरफ, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, और यहाँ देखिए तजाकिस्तान। इसके बाद इधर चले ये अजरबैजान, जॉर्जिया, इसके बाद ये पश्चिम की सीमाएं पड़ेगी रूस की। यहाँ पर थोड़ा और बड़ा दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये तीन देश जो है इन्हें कहते हैं बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक गणराज्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सागर है, ये आप देखिए ये सागर है बाल्टिक सागर, तो बाल्टिक सागर के कारण ये नाम, ये बाल्टिक सागर है, इसलिए इन तीनों देशों को बाल्टिक गणराज्य कहते हैं। ये भी रूसी का हिस्सा थे। इसके अलावा बेलारूस और ये पड़ गया यूक्रेन। जब यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए जॉर्ज बुश जब राष्ट्रपति थे तब से प्रोत्साहित करना शुरू करा, तो रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ गया। और वो तनाव इतना बढ़ा कि 2014 के अंदर रूस ने एक हिस्सा जो पहले यूक्रेन का था, जो ये काला सागर है यहाँ पर, काला सागर, और इसके अंदर ये प्रायद्वीप पड़ता है। प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, ये देखिए ये तीन तरफ पानी से घिरा है, इसको कहते हैं क्रीमिया।
अब क्रीमिया की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि ये यूक्रेन का हिस्सा तो बन गया 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, लेकिन इसमें 90% के करीब लोग रूसी भाषाई थे। और जब 2014 में अमेरिका के उकसाने पर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ, रूस के समर्थित वहाँ के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया और रूसियों के खिलाफ वहाँ पर शैक्षिक पाबंदी लगाई, वहाँ पर रूसी भाषा के चैनलों पर प्रतिबंधित लगाया गया, तो क्रीमिया ने निर्णय लिया कि अब वो यूक्रेन के साथ नहीं रहेगा। और यूक्रेन में वहाँ पर मताधिकार का प्रयोग किया गया, वहाँ पर रेफरेंडम हुआ जिसको जनमत संग्रह कहते हैं, और जनमत संग्रह के अंदर 90% से ज़्यादा लोगों ने रूस के साथ शामिल होने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया। और वही उस 2014 से ही रूस को G8 समूह का सदस्यता से बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये जो पश्चिम देश है इन्हें लगा इस तरीके से इस विशाल देश की जो ताकत है वो ज़्यादा बढ़ेगी। आप यहाँ देखिए, ये जितने भी देश है, अगर इन सब देशों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सारे ही देश रूस से काफ़ी छोटे हैं। तो अब ये जो काला सागर है, ये काला सागर की सामरिक दृष्टि ये है कि रूस के लिए इसकी चिंता इसलिए है कि अगर यहाँ पर अमेरिका की ताकत बढ़ती है या कोई देश अमेरिका का पक्षधर होता है, नेटो में शामिल होता है, तो भूमध्य सागर, ये देखिए भूमध्य सागर लिखा है, इस रास्ते से जो जहाजी बेड़े हैं अमेरिका और नेटो के, वो यहाँ आने शुरू होंगे। इसी को देखते हुए रूस ने 2014 में यहाँ पर जनमत संग्रह के आधार पर इसको अपने देश का हिस्सा बना लिया। और जो ऐतिहासिक भूल रूसी बताते हैं कि यूक्रेन को देना एक ऐतिहासिक भूल थी, उसे उन्होंने पूरा किया। अब खबर ये आई है जो फिलहाल आज की हम पढ़ रहे हैं 28 की, वो खबर ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैं फिर बताता हूँ, यहाँ पर जो सीमाएं हैं ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये है रूस का, और जो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा ये हिस्सा है यूक्रेन का, और बीच में एक सागर है ये वाला, ये है आजोव सागर, इसको कहते हैं सी ऑफ आजोव। तो रूसियों का ये कहना है कि जो रूसी पनडुब्बियां थी वो यूक्रेनी जो जहाज हैं वो इसके क्षेत्र के अंदर घुस आए थे। जो सीमा यहाँ पर बन रही है आजोव की, ये वाली इसमें, और इसकी वजह से रूसियों ने कार्रवाई करी और उनके 3 जहाज और 23 नौसैनिकों को रूसी जो सेना बल थे उन्होंने अपने अधिकार में रखा हुआ है। अब ये हुआ कि इस तनाव को देखते हुए अब यूक्रेन का, यहाँ पर फिर देखेंगे आप, ये यूक्रेन का बॉर्डर है, ये रूस से लगा हुआ। अब ये रशिया है, आप यहाँ पर भी देखिए, आप ऊपर की तरफ राजधानी लिखी हुई है मॉस्को, तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो रूसी भाषा बोलने वाले हैं और इनका समर्थन जो है वो रूस के प्रति भी है। और इसके कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे दनबास है, मैं और बड़ा करके दिखाऊं, ये देखिए दनिस्क है यहाँ पर, ये दनिस्क, लुहांस, ये सारे जो रूस से लगी हुई सीमाएं हैं, ये लोग अलग होने की मांग भी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए यूक्रेन ने एहतियातन इस पूरे के पूरे पूर्वी क्षेत्र के अंदर, ये जो इनका पूरा पूर्वी क्षेत्र है, इसमें मार्शल लॉ लगाने का निर्णय लिया है। अगले न्यूज है G20 के बारे में। G20 जो समूह है ये दुनिया के 20 जो विकसित या विकासशील देश हैं उनको मिलाकर ये बनाया गया, और जैसे आप इसके अंदर चित्र में भी देख पा रहे होंगे ये सारे देश हैं, जिसके अंतर्गत अगर मैं नाम देखूं तो ऊपर की तरफ ये रशिया, इधर अमेरिका, ये चाइना, यहाँ पर फ्रांस, टर्की, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंडोनेशिया, इधर मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन
और यहाँ पर है जर्मनी, तो 20 देशों का एक समूह है। मैं आपको जो पीडीएफ भेजूंगा उस पीडीएफ के अंदर मैं मैप के अंदर जिन देशों का नाम लिखा हुआ है वो वाली भेजूंगा, तो संभवतः वो पीडीएफ के अंदर आपको वो फ्लैग जो मिलेंगे देशों के उनके नीचे उनके नाम भी लिखे होंगे, क्योंकि इसमें आपको याद नहीं रह पाएगा। तो G20 ये एक ताकतवर संगठन है जिसके अंदर G8 जो ग्रुप है उसके मेंबर तो हैं ही, इसके अलावा दुनिया के जो दूसरे विकासशील देश हैं जिसमें भारत का नाम आ जाता है या दूसरे देशों के बारे में जैसे मेक्सिको, साउथ अफ्रीका है जो उभरते हुए देश है, उनका ये एक मंच है। और इसका गठन जो है वो किया गया था 1999 के अंदर इसका गठन किया गया था और इसकी प्रतिवर्ष अब बैठक का आयोजन किया जाता है और ये बैठक हाल ही में आयोजित होगी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनो एरस के अंदर। और अगले साल जो इसकी मीटिंग है 2019 की वो होगी जापान के अंदर, क्योंकि ये पूर्ण निर्धारित है, और 2020 की जो मीटिंग है वो होगी सऊदी अरब के अंदर। और ये इसलिए भी चर्चाओं में आई फिलहाल न्यूज़ में, ये कहा गया कि भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री जो मोदी जी इसकी यात्रा के लिए आज चले गए हैं 28 नवंबर को, तो वो वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात करेंगे। अगले न्यूज़ है बधिर T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा। बधिर जो है ये हो गए डेफ एंड डम, यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता और बोल नहीं सकते, इनका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन जो है वो इस बार किया जा रहा है गुरुग्राम के अंदर जो स्थित है हमारे हरियाणा राज्य के अंदर, गुरुग्राम के अंदर ये वर्ल्ड कप जारी है। और इसका आयोजन जो है ये बधिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके जो कप्तान है वो है गुजरात के इमरान शेख, जिनके नेतृत्व में भारत ने पहले भी कई प्रतियोगिताएं जीती है, तो उन्हें इसका कप्तान बनाया गया। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, 2018 के अंदर इनकी नियुक्ति की गई है, ये है श्री मनोज कुमार। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं निर्वाचन आयोग का किस तरीके से गठन होता है राज्य के स्तर पर। तो इसके बारे में ये प्रावधान है कि जब 1992 के अंदर दो संविधान संशोधन अधिनियम आए जिनका नाम है 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा हमारे संविधान के अंदर ये 243 कैसे टै तक ये अनुच्छेद जोड़े गए। इन अनुच्छेदों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन है ये तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पंचायतों की स्थापना के बारे में देता है, और जो 74 है ये नगर क्षेत्र के अंदर जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनके गठन का प्रावधान करता है। इन सारे के बारे में जो जानकारियां हैं या जो इनके अधिकार हैं, कैसे इनका गठन है, वो 243 अनुच्छेद में है। इसी अनुच्छेद के अंदर ये प्रावधान दिया गया कि इनके जो चुनाव है उसको आयोजित कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग गठित किया जाएगा। तो जैसे निर्वाचन आयोग केंद्र में है, जिसके नए जो चेयरपर्सन बनेंगे जिनका हमने कल मैंने आपको पिछली न्यूज में दिया सुनील अरोड़ा जी का, उनका राज्यों के पंचायतों के चुनाव से इस नगर निगम के चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, 1992 के द्वारा इसके अंदर जोड़कर यह कहा गया कि इन स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। तो सतीश कुमार अग्रवाल अभी तक थे एसके अग्रवाल, उनकी जगह पर इन्होंने पदभार संभाला है, ये आईएएस अधिकारी हैं। अगला जो पॉइंट है वो है लंगर प्रथा की शुरुआत कौन से गुरुद्वारे से की गई। अब इस गुरुद्वारे को आज खूब चर्चा में है, 28 नवंबर को नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान आ रहा है, तो इसके बारे में क्या खबर है। खबर ये है कि जो सिखों के पवित्र गुरुद्वारे हैं जिनमें कुछ गुरुद्वारों के नाम मैं जैसे यहाँ बताऊँ, एक तो गुरुद्वारा है पंजा साहब, ये पंजा साहिब जो गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में है, और जहाँ पर ये माना जाता है कि जो गुरु नानक साहब है उनका या जिनको बाबा बोलते हैं सिख अनुयायी, उनका पंजा पत्थर के ऊपर वहाँ बना हुआ है, पंजे जैसी आकृति, इसीलिए उसको पंजा साहब के नाम से है। इसके अलावा गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो हो गया नानकाना साहब, दूसरा गुरुद्वारा।
और तीसरा लाहौर के अंदर है डेरा साहब, ये गुरुद्वारे हैं। और एक जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो है करतारपुर। ये चार प्रमुख गुरुद्वारे हैं जो पाकिस्तान में स्थित है, और आज़ादी के बाद से, बंटवारे के बाद से सिख श्रद्धालुओं को यहाँ जाने की अनुमति दी जाती है। परंतु जो करतारपुर है ये भारत से बहुत ही करीब है, जैसे आप मैप के ऊपर भी देखेंगे तो मात्र बॉर्डर से 4 किलोमीटर की दूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दूरियाँ हैं ये भारत से 2 किलोमीटर दूर, यहाँ पर डेरा बाबा नानक जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, और 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है करतारपुर साहब। तो ये जो रेड कलर का मैंने दिखाया हुआ है ये कॉरिडोर है, जो आजकल आप खबरों में आप सुनते हो करतारपुर कॉरिडोर। तो सवाल ये आ सकता है करतारपुर कॉरिडोर की कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी जो है लगभग 6 किलोमीटर होगी। डेरा बाबा साहब से शुरुआत होगी, जो यहाँ पर दिया हुआ है डेरा बाबा नानक, यहाँ से शुरू होगा और करतारपुर साहब में जाकर ये समाप्त होगा। अब बाकी जो इसके बारे में है, जो खबर है हमारी, पहले तो ये मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया ये दूसरा है, और करतारपुर साहब के बारे में मैंने आपको लगे हाथ समझा दिया। इसमें ये है कि करतारपुर साहब जो है यहाँ पर 1539 में जो गुरु नानक हैं उनका जन्म हुआ था, 1469 में जब सिकंदर लोधी का राज था उस समय इनका जन्म हुआ, और एसएससी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका। उनकी मृत्यु हुई 1539 में, और मृत्यु का स्थान है करतारपुर साहब, और इसी करतारपुर से ही गुरु नानक ने लंगर परंपरा की शुरुआत करी थी। लंगर का अर्थ है जो सिख गुरुद्वारों के अंदर निःशुल्क भोजन कराया जाता है लोगों को, उसे लंगर परंपरा कहते हैं। 2011 यूपीएसआई के प्री में ये क्वेश्चन दिया गया था कि इसकी शुरुआत किसने करी, हालांकि आंसर शीट के अंदर आंसर गुरु नानक ना देकर अमरदास का नाम था, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ठीक भी किया था। अगली न्यूज है हमारी, वो है एक किताब के बारे में, इसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, जो बुक और ऑथर के क्वेश्चन एग्जामों में आ जाते हैं, अ रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू द विलेजेस। इसका मतलब है कि एक तरीके का बायोस्कोप है ग्रामीण क्षेत्रों का, और जो देश का भविष्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा देखा जा रहा है। इस पुस्तक के लेखक हैं, चित्र में आप देख पा रहे होंगे, वरुण गांधी, जो बीजेपी के नेता है, लेकिन बीजेपी में अपनी जो उनके प्रति लोगों ने उदासीनता है, संभवतः यही कारण है कि उसके कारण वो बीजेपी से पूरा मोह भी नहीं रख पाते, और यदा कदा उनके बयान और उनके कार्य ऐसे आते हैं जो बीजेपी को ही परेशानी में खड़े करते हैं। इसके बाद है दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित बिजली परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया। चित्र में देखिए, ये चित्र मैंने इसीलिए दिया है ताकि मानव का जो साहस है उसके बारे में आप इस चित्र को देखकर अनुमान लगा सको कि मानव यदि अपनी इच्छा चाहे और जो विश्वास वो कर ले कि मुझे ये करना है, तो विचार आते ही वो काम उसका पूर्ण होता है। यही साहस है और यही इस खबर का मेन उद्देश्य है जो मैंने आपको दिया है। हालांकि तथ्यात्मक है, परीक्षाओं में सवाल आते हैं। एसएससी में सवाल आया, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कहां पर है, तो चीन के अंदर ही है, और चीन में भी ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र कहलाता है तिब्बत। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली जो ट्रेन है, जहां पर इतनी ऊंचाई पर चलना पड़ता है कि ऑक्सीजन के मास्क पहनने पड़ते हैं, वो भी तिब्बत में है। और जो वर्तमान में ये बिजली घर बनाया गया है ये भी तिब्बत में ही है, ल्हासा के पास ही गठित किया गया है। तो तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है, हालांकि विवादित मानते हैं। दलाई लामा 1959 में जब तिब्बत के अंदर एक जनविद्रोह हुआ तो उसके बाद भारत आ गए, और तब से तिब्बत जो है वहाँ पर अलगाववाद थोड़ा बहुत है, जो ये मांगते हैं कि उनकी जो संस्कृति है उसे चीनियों के द्वारा उसका दमन किया जा रहा, इसीलिए वो अलग होने की भी मांग करते हैं। अगली जो खबर है वो है कि इस देश के निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री को दिसंबर में होने वाले आम चुनाव में लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया है। जैसे आप भारत के बारे में भी पढ़ते हैं तो भारत में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, जिसे कहते हैं जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसके अंतर्गत जो है, जो सेक्शन है 8(3),
इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक वर्ष की सजा मिलती है तो वो सजा खत्म होने के 6 साल के बाद ही चुनाव लड़ पाएगा। सजा खत्म होने के 6 साल तक वो किसी भी पद पर चुनाव लड़ने का योग्य रहेगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत सहारा दिया 2014 में जब ये केस आया, क्योंकि इसका फायदा क्या था, इसमें एक प्रावधान क्या दिया हुआ था, इसमें 8-4 में प्रावधान दिया हुआ था। प्रावधान क्या, एक तरीके का चोर दरवाजा जो नेताओं को मिला हुआ था, वो चोर दरवाजा ये था कि अगर वो सजा प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर यदि वो किसी उच्च अदालत में उसके खिलाफ याचिका देता था तो जब तक कि निपटारा नहीं होता था तब तक उसको सजा नहीं दी जाती थी। जैसे लालू यादव हैं जिन्हें 1998 के चारा घोटाले के बाद जब 2013 के अंदर सजा दी गई तब जाकर उनकी सदस्यता खत्म हुई। ऐसे ही जो सहारनपुर के रशीद मसूद हैं वो राज्यसभा के पहले सांसद थे जिन्हें 1992 के अंदर एक केस के चलते हुए 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म की गई। तो एक प्रकार से ये जो 8-4 था ये 8-4 सुविधा प्रदान कर रहा था कि कोई भी व्यक्ति जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक वो पद पर बने रहते। सुप्रीम कोर्ट ने 8-4 को खत्म कर दिया और अब ये प्रावधान है कि जैसे ही किसी को सजा मिलेगी दो या दो से अधिक वर्ष की उसी दिन से वो अपने पद पर अयोग्य हो जाएगा। अब आते जो पॉइंट, जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है, वो क्वेश्चन चल रहा है कि कौन से देश, तो जाहिर है इसमें फोटो देख रहे हैं कि ये है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जिनकी पार्टी है BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये भारत विरोधी पार्टी है, पाकिस्तान परस्त है और कट्टरपंथियों को पनाह देने वाली है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि वर्तमान में जो सरकार है वो वहाँ पर सरकार है आवामी लीग की। आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के एक क्रिकेट खिलाड़ी है मुर्तजा, वो अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, उस चुनाव के अंदर ये बांग्लादेशी कप्तान आवामी लीग पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। तो बांग्लादेश के अंदर भी ये कानून है जो हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ कानून ये है कि 2 साल वाला, कि 2 साल के बाद सजा खत्म होने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ेगा। और बांग्लादेश में क्या है, 2 साल के बाद वहाँ पर 5 वर्ष का जोड़ दीजिए, 2+5, तो हमारे यहाँ तो है 2+6। ये 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 ही, अगर इसमें आप 6 जोड़ दीजिए 6 साल तो 6+6 यानी कि 12 साल के बाद, और अगर यहाँ पर कोई और हो संख्या तो उसे जोड़ +6 जरूर जोड़ना है आपको। तो बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के मामले में 10 वर्ष की सजा दी गई है, तो इसीलिए बांग्लादेश निर्वाचन आयोग ने इनकी नियुक्ति को, इनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई है। तो यहां आंसर आएगा बांग्लादेश। इसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UPSC। UPSC के बारे में 2-4 पॉइंट में यहां पर लगे हाथ कराता हूं। UPSC का जो गठन है वो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में किया गया। और जैसे क्वेश्चन आया कि UPSC के गठन का प्रावधान कौन से अधिनियम में था, क्योंकि ब्रिटिश समय पर स्थापना हुई तो अंग्रेज एक कानून लेके आए थे जो कहलाता है भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और बाद में ली आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। देश का उच्च प्रामाणिकता के साथ में, जिसके प्रति लोगों को पूरी आस्था है, एक ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त संस्था के रूप में UPSC को देखा जाता है, जो देश की जितनी भी क्लास 1 जो नौकरियां हैं उनके लिए परीक्षाएं आयोजित कराया जाता है। इसके जो सदस्य और इसके चेयरमैन है वो चेयरमैन कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवाओं में रह चुके हों, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका प्रक्रिया ये है, उनका जो कार्यकाल है ये कार्यकाल है, जैसे हमारे यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का है, वही इनके बारे में 65 वर्ष की, तो या तो 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल, और ये कार्यकाल जब से गिना जाता है जब से ये इस
कमीशन के अंदर चुने जाते हैं, चाहे सदस्य के रूप में चुने जाए, तो उसी दिन से इनके कार्यकाल की शुरुआत होती है। और इन्हें हटाने का जो प्रक्रिया है वो हटाने की प्रक्रिया भी बड़ी कठिन है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर और प्रमाणित दुर्व्यवहार के आधार पर ही राष्ट्रपति इन्हें पदमुक्त कर सकते हैं, चाहे सदस्य हो चाहे चेयरमैन हो। इन्हें हटाने का अधिकार केवल देश के राष्ट्रपति को है सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। तो और अनुच्छेद जो हमारे संविधान के अंदर है 315 से लेकर और 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरविंद सक्सेना। आज की न्यूज़ में यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को जो न्यूज़ में कराता हूँ वो आपको मेरे अनुभव का लाभ जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि मैं इन करंट अफेयर्स के अंदर भी आप लोगों को हिस्ट्री की बातें हों या फिर अन्य कोई बातें हों, प्रयास करता हूँ अपने अनुभव के आधार पर उन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करता चलूँ, ताकि करंट अफेयर्स के साथ में आपका संविधान, इतिहास, भूगोल यह भी कंप्लीट होता रहे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर सुना, और प्रभु को धन्यवाद जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को संबोधित कर सकूं। साथ ही उन सारे समाचार पत्रों को भी आभार प्रकट करता हूं जिनकी मदद से मैंने ये न्यूज़ तैयार करी।